पूरे भारत में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। चारों तरफ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश की वजह से चार धाम यात्रा पर ब्रेक लग गया, तो वहीं अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गोवा में सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं, तो मुंबई में भारी बारिश के चलते लोकल ट्रेन सेवा सस्पेंड कर दी गई है। कैसे बारिश ने पूरे भारत में त्राहिमाम मचाया हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। पानी रे पानी ये तेरा कैसा रंग, मॉनसून ने जैसे ही दस्तक दी तो पूरे भारत के अलग अलग शहरों से तबाही की खबरें सामने आने लगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़क जमीन में धस गई, तो कानपुर में घर के अंदर पानी घुस गया। बारिश के ये बतरा इस कदर बरस रहे हैं कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड के गढ़वाल डिवीजन में भारी बारिश के चलते चारधाम यात्रा रोक दी गई है। बद्रीनाथ विष्णु प्रयाग नेशनल हाईवे के पास लैंडस्लाइड के कारण सड़क ब्लॉक हो गई है और दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। उत्तराखंड के साथ साथ असम में भी बारिश मौत बनकर आई है। असम के 29 जिलों में भारी बारिश की वजह से 23 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और अब तक 58 लोगों की मौत भी हो चुकी है। असम के अलावा यूपी बिहार में हालात ज्यादा ठीक नहीं है। भारी बारिश के चलते चारधाम यात्रा पर ब्रेक। असम में 23 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। असम में 58 लोगों की मौत। काजीरंगा नेशनल पार्क में 114 जानवरों की मौत। यूपी में बारिश की वजह से 13 मौत। महाराष्ट्र के ठाणे में 150 लोग नदी में फंसे। मुंबई में लोकल ट्रेन सर्विस सस्पेंड। बारिश ने चारों तरफ कहर बरपाया हुआ है। जानवर हो या इंसान, बारिश हर किसी की जान पर आफत बनकर बरस रही है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरनाक हो गया है, तो वहीं गोवा के पणजी में सड़कें पानी से जलमग्न हैं। चारों तरफ हाहाकार है और सड़कों पर निकलना दुश्वार हो गया है। जान की आफत ये बारिश अभी थमने वाली नहीं है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4-5 दिन दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में बदरा ऐसे ही बरसने वाले हैं। अभी जो मानसून ट्रफ है वो एक्टिव फेज में है, ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल पोजीशन है, और उसके प्रभाव से अभी क्या है कि नॉर्थ इंडिया में आज के दिन ऑलमोस्ट सारी जगह पे हैवी या वेरी हैवी रेनफॉल रहेगा। अगर हम पंजाब से स्टार्ट करते हैं, पंजाब, हरियाणा, उसके बाद हिमाचल भी आज हैवी रेनफॉल हो सकता है, और उत्तराखंड में हमारा अनुमान है कि आज एक्सट्रीमली हैवी मीन 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी रेनफॉल एक्टिविटी हैवी वेरी हैवी रहेगा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी आने वाले 4-5 दिनों में रेनफॉल एक्टिविटी हैवी वेरी हैवी स्पेल चलता है। पानी के इस रंग ने सभी को डरा दिया है और बस सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्थिति सामान्य हो और लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौटे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।